हेलो फ्रेंड, मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि सर वीपी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इस मैटर में बात करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुने। एक्चुअली मैं जो बताने वाला हूँ वो थोड़ा वीपी का कंसेप्ट है, उसके बाद हम इस मैटर में बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम लोग को पता है कि जैसे जैसे हम लोग वीडीएस का वैल्यू इंक्रीज करते हैं वैसे ड्रेन करेंट का वैल्यू इंक्रीज करता है। कैसे, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। सपोज़ दैट कि हम लोग वीडीएस यानी जो यहाँ पे जो ये ड्रेन है और ये सोर्स है, ये जो टर्मिनल दोनों को कनेक्ट किया गया है उसमें मान लेते हैं हम लोग कि शुरू में इनिशियली हम लोग 1 वोल्ट सप्लाई दिए, ठीक है? तो चूंकि ये पॉजिटिव कनेक्ट है ड्रेन से और नेगेटिव कनेक्ट है सोर्स से, ओके, तो ये नेगेटिव वाला जो टर्मिनल यहाँ पे सोर्स से कनेक्ट है तो यहाँ पे सोर्स का जो टर्मिनल है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आके कलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्ट है, ठीक है? तो 1 वोल्ट सप्लाई दिए तो कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आके कलेक्ट हो गया। और हम लोग को ये भी पता है कि ये एन चैनल जेफीटी है, तो यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर इस चैनल में क्या होगा, इस चैनल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा ऊपर की ओर। तो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया ऊपर की ओर। तो हम लोग को पता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो करेंट फ्लो होता है, तो ड्रेन करेंट ऊपर से नीचे की ओर यानी कि इस डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट किया, ठीक है? तो चूंकि अभी हम लोग सप्लाई ज़्यादा नहीं दिए थे इसीलिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो नहीं किया, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं किया इसका मतलब है कि ज़्यादा करंट फ्लो नहीं हुआ, ओके? अब जैसे ही हम लोग 1 वोल्ट से वैल्यू 2 वोल्ट किए तो यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज आके कलेक्ट हुआ, यानी कि और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अभी क्या करेगा, फ्लो करेगा। और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इसका मतलब है कि और ज़्यादा करंट फ्लो होगा। उसके बाद फिर हम लोग 3 वोल्ट दिए, 4 वोल्ट दिए, तो जैसे जैसे हम लोग वीडीएस का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे ड्रेन करंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? देखिए जैसे जैसे हम लोग वीडीएस का वैल्यू, ये वीडीएस और आईडी के बीच का ग्राफ है, जैसे जैसे हम लोग वीडीएस का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आईडी का वैल्यू लीनियरली यहाँ तक इंक्रीज किया, ठीक है? अब इसके बाद देखिए, जैसे जैसे हम लोग वीडीएस का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे ड्रेन करेंट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसके साथ एक और प्रोसेस होता है। वह क्या है कि टॉप में जो ये दोनों डिप्लेशन लेयर का विड्थ है वो धीरे धीरे टॉप में इंक्रीज करता चला जाता है, ठीक है? ये क्यों होता है ये मैंने अपने वीडियो में बताया है, आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें, इससे आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को बताऊं तो अभी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? लेकिन बस आप ये चीज़ जान लें कि वीडियोज़ का वैल्यू इंक्रीज करने से कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये जो टॉप में जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब जब ये बढ़ना स्टार्ट हुआ तो एक कंडीशन ऐसा आएगा, ये बढ़ते बढ़ते एक ऐसा कंडीशन आएगा, जैसे हम लोग वीडीएस का वैल्यू इंक्रीज करेंगे इंक्रीज करते करते वीडीएस का एक ऐसा वैल्यू आएगा जिसमें कि ये दोनों डिप्लेशन लेयर का विड्थ जो है आपस में अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, कांटेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है? पूरा नहीं, अगर पूरा कांटेक्ट में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो पूरा ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन अभी फ्लो नहीं कर पाएगा, यानी कि ड्रेन करेंट जीरो हो जाएगा और ये इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली, ओके? तो क्या होगा कि अप्रोक्सीमेटली ये दोनों कॉन्टैक्ट में आएंगे, यानी कि अभी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो कर रहा था वो कॉन्स्टेंटली फ्लो करेगा, यानी कि अब ये लिमिटेड हो जाएगा, यानी कि कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी कि एक कॉन्स्टेंट अमाउंट में यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉन्स्टेंट हो गया इसका मतलब है कि ड्रेन करेंट कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है? यानी कि देखिए यहाँ पे अब हम लोग कितना भी वीडीएस का वैल्यू इंक्रीज करेंगे उसके बाद ये ड्रेन करेंट जो है वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, यानी कि वीडीएस का एक ऐसा वैल्यू जिसमें कि ये दोनों डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, ओके? तो उस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग, पिंच ऑफ वोल्टेज, बात समझ में आई? उस वीडीएस का वैल्यू को ही हम लोग बोलेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज। सपोज दैट कि अगर ये 6 वोल्ट में ऐसा केस आया, 6 वोल्ट जब सप्लाई दिए तो ये दोनों टॉप में जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ है वो आपस में क्या आ गए, कॉन्टेक्ट में आ गए अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? तो उस कंडीशन में हम लोग उस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, वो 6 वोल्ट को हम लोग बोलेंगे क्या, पिंच ऑफ वोल्टेज, ओके? अब बहुत लोगों ने पूछा कि ये पिंच ऑफ वोल्टेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए पिंच ऑफ वोल्टेज एक फिक्स्ड वैल्यू है, उसको कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि हम लोग जब भी प्रॉब्लम बनाते हैं तो आपने गौर किया होगा कि वहाँ पे 2 वैल्यू दिया हुआ रहता है, एक पिंच ऑफ वोल्टेज और एक मैक्सिमम ड्रेन करंट। तो मैक्सिमम ड्रेन करंट क्या है, तो वह पिंच ऑफ वोल्टेज जहाँ पे पिंच ऑफ वोल्टेज में ही जो करंट होता है, जैसे कि इसके बाद आप करंट इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है? उसको बोलते हैं मैक्सिमम ड्रेन करंट, ओके? तो आपको समझ में आई कि पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है, कि एक फिक्स वैल्यू है, यानी कि क्वेश्चन में ये ऑलरेडी गिवन रहेगा, ओके? और क्या है कि ये अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। मान लेते हैं कि इस ये जो एक ट्रांजिस्टर है, ये जो एक जेफीटी है, ये 6 वोल्ट में इसका डिप्लेशन लेयर
अप्रोक्सीमेटली कॉन्टैक्ट में आया, ठीक है। हो सके कोई दूसरा जो ट्रांजिस्टर होगा उसका जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ है वो 7 वोल्ट या 8 वोल्ट में अप्रोक्सीमेटली कॉन्टैक्ट में है, तो ये ट्रांजिस्टर यानी कि ये कंपोनेंट पे डिपेंड करता है हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फिक्स वैल्यू है, इसे कैलकुलेट करने के लिए अगर आप कैलकुलेट तो ऐसे करना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, लेकिन अगर आप इसके बीच में अगर कोई रिलेशन ढूंढ रहे हैं तो वो एक शॉकले इक्वेशन है जो आपको पता है, शॉकले इक्वेशन में वीपी आता है, ठीक है। तो आप अगर सारा वैल्यू गिवन है और वीपी अगर नहीं दिया हुआ है तो आप वीपी वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जनरली वीपी का वैल्यू दिया हुआ रहता है क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है, अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग फिक्स वैल्यू होता है। तब तो कोई मान लीजिए कि ये जो ट्रांजिस्टर है वो 6 वोल्ट में इसका दोनों का डिप्लेशन लेयर का विड्थ कॉन्टैक्ट में आया, हो सके कोई दूसरा ट्रांजिस्टर जिसका 7 वोल्ट में आएगा, तो ये अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग होता है। ओके, थैंक यू, आई होप कि आपको समझ में आया हो, और अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको समझाऊंगा।